हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी विल डू नेस्टेड टपल व्हाट इज नेस्टेड टपल नेस्टेड टपल क्या होता है अ टपल कंटेनिंग अनदर टपल इन इट एज़ अ मेंबर इज कॉल्ड अ नेस्टेड टपल ओके तो नेस्टेड टपल क्या है वो टपल जिसके अंदर उसका एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट क्या है टपल है ओके okay? मतलब टपल के अंदर ही एक और टपल है टपल के अंदर एक और टपल है या एक से ज्यादा टपल्स है ओके okay? तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है नेस्टेड टपल right? राइट अब इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टपल है ओके okay? उसका फर्स्ट एलिमेंट है ट्वेंटी वन सेकेंड एलिमेंट है रोहन और जो उसका थर्ड एलिमेंट क्या है थर्ड एलिमेंट एक और टपल है मतलब टपल के अंदर एक टपल के अंदर दूसरी अगर टपल हो एज अलिमेंट तो वो टपल क्या होती है नेस्टेड टपल राइट अब यहाँ पे हम लैन फंक्शन का यूज करें लैन और हमने उसमें क्या पास कर दिया हमने उसके अंदर स्टूडेंट टपल को पास कर दिया राइट right? तो लेन फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल ओके नंबर के एक टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट क्या है थ्री एलिमेंट okay, uh, इसका ट्वेंटी वन है सेकेंड एलिमेंट रोहन है और थर्ड एलिमेंट क्या है टपल है राइट ओके सो सो द स्टूडेंट टपल शोन अव इज नेस्टेड टपल हुज थर्ड एलिमेंट दैट इज स्टूडेंट टू इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टूडेंट टपल इज थ्री ओके स्टूडेंट यहाँ पे क्या है नेस्टेड टपल क्योंकि उस, उसका एक एलिमेंट क्या है टपल है एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी टपल हो सकते हैं राइट ओके नाउ अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं थ्री आए हैं थ्री आए हैं तो uh, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है जो इसमें जो टपल है वो भी एज अ वन एलिमेंट कंसिडर हुई है ओके okay, जो यहाँ पे टपल है दैट इज कंसीडर्ड एज वन एलिमेंट ओके यहाँ पे देखो द दूड स्टूडेंट रिटर्न थ्री बिकॉज ईच टपल इज ट्रीटेड एज वन एलिमेंट ओके अब जैसे एक और टपल होती है तो वो उसको भी एज अ उसको वन कंसीडर किया जाता है तो एलिमेंट्स नंबर हो जाता फोर फाइन आर यू गेटिंग ओके अब यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग करी हमने टपल की फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे क्या है ट्वेंटी वन है वन इंडेक्स पे रोहन है और टू इंडेक्स पे क्या है आपका टपल एलिमेंट है फाइन सो इन दिस वे यू कैन डू द इंडेक्सिंग ठीक है तो आई थिंक यू हैव गॉट व्हाट इज नेस्टेड टपल व्हेन वी हैव अनदर टपल इनसाइड अ टपल दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड टपल ओके एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इनर टपल ओके अगर आपको ए टपल के अंदर जो इनर uh, टपल है ठीक है उसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो आप कैसे करेंगे तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट टपल है जिसके अंदर थ्री एलिमेंट्स है ट्वेंटी वन रोहन एंड दिस टपल ओके नाउ वी वॉन्ट टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ इनर टपल हमें क्या हम क्या करना चाहते हैं इनर टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं राइट ओके टू एक्सेस द इनर टपल एलिमेंट ऑफ द अब शोन टपल वी कैन यूज स्टूडेंट टू पे uh, और अभी क्या कह रहा है सबसे पहले हमको क्या एक्सेस करना है इनर टपल को एक्सेस करना है इनर टपल को आप कैसे एक्सेस करोगे आप उसकी इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस uh, करोगे तो इनर टपल की इंडेक्स वैल्यू क्या है टू तो अगर आपने लिखा स्टूडेंट टू ठीक है इस तरीके से आप उसको क्या करोगे इनर टपल को एक्सेस कर लोगे आपने स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू दी टू तो आपका क्या एक्सेस हो जाएगा आपका इनर टपल आप एक्सेस कर लोगे राइट ओके तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपकी टपल है दिस इज योर टपल

एलिमेंट को एक्सेस करना है फाइन अब देखो तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें इनर टपल का इंडेक्स देना पड़ेगा इनर टपल का इंडेक्स क्या है हमारा स्टूडेंट टू राइट ओके okay, और अब जब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं देखो इसके एलिमेंट्स भी एक टेबल को क्रिएट करते हैं फिफ्टी सिक्स है? right? तो स्टूडेंट टू से तो हम कहां पे पहुंचे इनर टपल पे पहुंचे ठीक है और नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू जब आप दोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे उसके इंडिविजुअल इनर टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट के पास ठीक है तो देखो टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट हमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है ऑफ इनर टपल ठीक है हमें फिफ्टी सिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इसको एक्सेस करना है तो कैसे uh, क्या आप uh, आपकी कमांड दोगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट टू से क्या हुआ हमने टपल को एक्सेस किया अब नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू आपको क्या देनी है जीरो राइट ठीक है इंडेक्स पहले आपने देना टपल नेम दैट इज स्टूडेंट फिर आपने इनर टपल का इंडेक्स वैल्यू दिया दैट इज टू ओके okay. और इनर टपल के अंदर आप को फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स देना है देखो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे क्या है एलिमेंट तो okay. क्या, क्या जो आप एक्सेस करना चाहते थे ओके okay. समझ आया स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टपल टू इज द इंडेक्स ऑफ इनर टपल और जीरो क्या है उसके फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स फाइन ओके

ठीक है इंडेक्स वैल्यू टू इंडेक्स वैल्यू से हम कहा पहुंचे इनर टपल के पास पहुंचे ठीक है अब इनर टपल के अंदर हमें क्या जाना है हमें इसके थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है दैट इज वो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है वो टू पे है ठीक है तो फर्स्ट इनर टपल का इंडेक्स देन इनर टपल के अंदर जिस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है उसका इंडेक्स फाइन तो उसका इंडेक्स क्या है टू इनर टपल का इंडेक्स वैल्यू टू है और जिस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू भी क्या है है. तो आपका क्या रिजल्ट आ गया आपका ये रिजल्ट आ गया? है. आपने के थर्ड सिंपल सेम हमें क्या करना है टपल स्टूडेंट ठीक है इनर okay, टपल का इंडेक्स वैल्यू टू ठीक है और जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका इंडेक्स उसका इंडेक्स क्या है हमारा थ्री फाइन स्टूडेंट टू से हम इनर टपल के अंदर गए और इनर टपल के जिस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है उसका इंडेक्स उसका इंडेक्स क्या है हमारे पास थ्री नाइनटी एट ओके तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया नाइनटी एट फाइन ओके तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द इनर टपल ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या किया ऐसे इनर टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस किया है फंक्शन फॉर नेस्टे टपल ओके तो नेस्ट्री के, टपल uh, के साथ हम कौन कौन से फंक्शन का यूज कर सकते हैं मोस्ट ऑफन वर्क फॉर द नेस्टे टप्पल तो क्या कह रहे हैं जो आप फंक्शन टपल के साथ यूज करते हो वो आप ने टपल के साथ भी यूज कर सकते हो लिविंग फ्यू मतलब कुछ फंक्शंस को छोड़ कर ओके फंक्शन डेट वर्क फॉर ऑल नेस्टे टपल्स आर लैंड काउंट ओके एंड इंडेक्स ओके तो ये क्या कह रहा है जो फंक्शन आप नेस्टेड टपल के साथ यूज कर सकते हो वो है फंक्शन काउंट फंक्शन एंड इंडेक्स फंक्शन राइट ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ लेंथ फंक्शन टपल फंक्शन में भी किया था दिस द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन टपल तो लेंथ फंक्शन का क्या यूज है ये करके करेगा टपल में मतलब कितने एलिमेंट्स हैं नेस्टेड टपल में इट विल टेल द लेंथ ऑफ द नेस्टेड टपल और यू कैन से इट विल टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नेस्टेड टपल राइट सो हमारा सिंटेक्स है लेंथ फंक्शन और लेंथ फंक्शन क्या

ठीक है, हैं तो अगर आपने फंक्शन के अंदर t1 को पास किया, तो यहां पे देखो, आपका function की help से निकल के के। आ गया six elements आपके t1 वन टपल में कितने एलिमेंट्स हैं? सिक्स एलिमेंट्स है फाइन तो len फंक्शन क्या करता है नेस्टे टपल के एलिमेंट्स को भी काउंट करके रिटर्न करता है वैल्यू के कितने एलिमेंट्स हैं एक नेस्टेड टपल में राइट right? नेक्स्ट काउंट फंक्शन दिस फंक्शन टू काउंटिस काउंट फंक्शन का क्या यूज है ये बताता है कि एक पर्टिकुलर आइटम टपल में कितनी बार आया है कितने टाइम्स वो अपेयर हुआ है टपल में पाइन तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स क्या है टपल का नाम डॉट काउंट और काउंट फंक्शन के अंदर आप वो एलिमेंट पास करोगे जिसको आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो कितनी कितनी बार बार में में आया है कितनी बार उसकी existence है उसकी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमारे पास एक टपल है टी वन जिसके एलिमेंट्स है uh, the टपल देन सिक्स एंड सेवन एट नाइन इज द टपल फाइन तो सबसे पहले हमने क्या किया टी वन टी वन टपल का नेम है डॉट काउंट सिक्स ठीक है हमें पता लगाना है कि सिक्स कितनी बार आया है टपल के अंदर तो रिजल्ट देखो वन क्योंकि एक ही बार आया यहां पर ओके देन नेक्स्ट हमने किया है परिटर्न वन क्योंकि फोर फाइव जो टपल है ठीक है वो भी कितनी बार आई है वन टाइम आई है ओके तो काउंट फंक्शन की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नेस्टेड टपल में कितनी बार आया है ओके okay?

राइट right? तो क्या करता है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो सिक्स आया है उसकी ही इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता right? जो six, six है उसके जो फर्स्ट उसको मिलता है ना फर्स्ट वैल्यू जो उसको मिलती है उसकी ही इंडेक्स वैल्यू को वो रिटर्न करेगा फाइन लिखा हुआ है ना फर्स्ट मेस्ट आइटम फ्रॉम द नेस्टेड टपल इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मेस्ट आइटम ओके तो वॉट इज दस इंडेक्स टपल नेम डॉट इंडेक्स और वो आइटम जिसकी हमें इंडेक्स वैल्यू निकालनी है फर्स्ट मैस्ट इंडेक्स वैल्यू राइट अब देखो टपल, this, okay? अब हमने क्या, क्या? टू। टू। टू तो क्या रिटर्न कर दिया वन ओके okay? ओके यहाँ पे इंडेक्स आ गया है। टू का इंडेक्स आ गया वन देखो यहाँ पे जो वैल्यू वन है उसका जीरो है और टू का ऑब्वियसली वन ही है ठीक है देन हमने टी वन डॉट इंडेक्स सेवन एट नाइन इस वाले जो टपल जो ये हमारा सेवन एट नाइन वाला टपल एलिमेंट है इसकी इंडेक्स वैल्यू निकाली तो ये आ गई फाइव फाइन अगर एक और बावन एट नाइन टपल होती मान लो पहले होती तो जो पहले वाली है उसकी इंडेक्स वैल्यू होती और अगर बाद में आया हुआ था सेवन एट नाइन एक और टपल होती तो जो फर्स्ट अपीयरेंस है वही आता मतलब फाइव भी आता ओके तो क्या होता है इंडेक्स, फर्स्ट मेस्ट इंडेक्स वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है रिटर्न करता है इंडेक्स फंक्शन ओके ओके नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस दैट वर्क फॉर नेस्टेड टपल्स हैविंग ओनली टपल्स एज एलिमेंट ओके अभी क्या, क्या कह रहा है वो फंक्शन जो नेस्टेड टपल के साथ वर्क करते हैं लेकिन किस कंडीशन पे कि नेस्टेड टपल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो क्या हो टपल ही हो कोई और एलिमेंट ना हो तो ऐसे फंक्शंस कौन से हैं मैक्स फंक्शन एंड मिन फंक्शन

ओके अदरवाइज पाइथन गेव टाइप एरर अगर आप को, कोई और एलिमेंट उसके अंदर नेस्टेड टपल के अंदर लोगे तो टाइप एरर आ जाएगा ओके देन सो फर्स्ट वी हैव मैक्स फंक्शन ओके

ओके okay, जिसका जिसके एलिमेंट्स है टू थ्री फोर एंड फोर फाइव सिक्स ओके देन टपल टी टू जिसके एलिमेंट्स है फर्स्ट right? okay. आपने पास किया टी वन को ओके टी वन को पास किया तो हमारे पास मैक्स जो मैक्स जो लार्जेस्ट एलिमेंट आया है वो क्या आया है फोर फाइव सिक्स राइट अब कंपैरिजन देखो कैसे होगा कंपैरिजन इसमें एलिमेंट वाइज होगा यहाँ पे फोर का कंपैरिजन टू से हुआ है फाइन ओके फोर का कंपेरिजन टू से हुआ है uh, तो यहाँ पे जो एलिमेंट फोर फाइव सिक्स है टपल का वो क्या है लार्जेस्ट एलिमेंट है राइट ओके देन आपने मैक्स फंक्शन के अंदर पास किया टी को टी को पास किया तो यहाँ पे हमारे हमारा देखो फाइव सिक्स सेवन एट जो टपल है वो क्या है एज अ लार्जेस्ट एलिमेंट आई है राइट right? यहाँ पे भी कंपैरिजन देखो जो फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन किया उसमें ही आपका आ गया है फाइव फाइव इज द लार्जेस्ट अगर देखो फर्स्ट एलिमेंट सबका सेम है तो सेकेंड एलिमेंट कंपेयर होगा सेकेंड एलिमेंट सबका सेम है तो थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा एंड सो ओन ओके द मैक्स फंक्शन गेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन इन द ने टपल राइट ओके सो दिस इज मैक्स फंक्शन नाव वी हैव द मिन फंक्शन मिन फंक्शन क्या करता है दिस मैथड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द नेस्ट्री टपल है मिनिमम वैल्यू ओके जो नेस्ट्री टपल के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा ओके सो वॉट इज दिन आपने मिन फंक्शन को यूज किया है मिन फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे टपल नेम को पास करोगे राइट नाव वी हैव द एग्जाम्पल अगेन वी हैव टेक टपल टी वन एंड टी टू ओके okay. अब आपने क्या किया मिन फंक्शन के अंदर टी वन को पास किया तो आपके पास देखो मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम एलिमेंट है जो स्मोलेस्ट एलिमेंट है वो आपका एज अ रिजल्ट आ गया है टू थ्री फोर ठीक है कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे टू इज स्मॉलर देन फोर ओके देन आपने नेक्स्ट किया मिन फंक्शन के अंदर टपल टी टू को पास किया राइट right? टी टू ट्रपल को पास किया तो यहाँ पे कंपैरिजन कंपैरिजन होगा एलिमेंट्स का फाइन तो यहाँ पे देखो जो ये एलिमेंट है आपका वन एंड टू ओके okay, तो यहाँ पे वन क्या है जितने भी टपल एलिमेंट्स हैं उसमें वन जो एलिमेंट है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया है वन टू राइट सो वी कैन यूज मिन एंड मे फंक्शन विद टपल्स लेकिन इसके अंदर कंडीशन विद नेस्टेड टपल्स लेकिन उसकी कंडीशन क्या है नेस्टेड टपल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए टपल टाइप्स के होने चाहिए किसी और डेटा टाइप्स के नहीं होने चाहिए नाउ जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि क्या है नेस्टेड टपल uh, में जब आप मिन और मैक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स नेस्टेड टपल में क्या होने चाहिए टपल टाइप के होने चाहिए अगर आप कोई और डेटा uh, टाइप लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा क्या क्रिएट हो जाएगा टाइप एरर राइट तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं टी आपकी टपल है जिसके एलिमेंट्स आपने क्या लिए वन टू थ्री वन टू थ्री के इंटीजर है ओके देन okay? आपका फोर फाइव टपल है देन सिक्स इंटीजर है देन सेवन एट नाइन आपका टपल है तो इस केस में क्या होगा

ठीक है टपल और इन का कंपैरिजन नहीं हो सकता फाइन तो आपका इफ यू वांट टू यूज द मैक्स एंड मिन फंक्शन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट इज दैट द नेस्टेड टपल शुड कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टपल टाइप नो वी हैव द फंक्शन दैट डू नॉट वर्क विद द नेस्टेड टपल वो फंक्शन जो नेस्टेड टपल के के साथ वर्क नहीं कर सकता बिल्कुल भी वो है सम फंक्शन ठीक है आप सम फंक्शन का यूज नेस्टेड टपल के साथ नहीं कर सकते राइट right? ओके okay? क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो सम फंक्शन कैन नॉट वर्क विद नेस्टेड टपल एज दे हैव वन एज एलिमेंट ओके एंड टपल्स कैन नॉट बी एडेड विद अदर Okay? Uh, okay? uh, uh, एलिमेंट टाइपल को दूसरे किसी डेटा uh, टाइप के साथ एड नहीं कर सकते हो, उसका सम नहीं कर सकते दस यूजिंग सम फंक्शन विद्री टपल रेज एंड एडेट तो अगर आप सम फंक्शन का यूज करते हो

टपल को इंटीजर्स के साथ उनको ऐड कर सकें ओके okay? उनका सम निकाल सकें ओके सो वी कैन नॉट यूज सम फंक्शन अलोंग विद द नेस्टेड टपल नेस्टेड टपल में सम फंक्शन का यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी नाउ वी हैव नेस्टेड टपल प्रोग्राम है ठीक है अ स्टूडेंट्स रोल नंबर नेम एंड टपल ठीक है हमारे पास क्या है अवेलेबल हैोहन एंड उसके मार्क्स ये हमारे नेस्टेट टपल है आपको पता है एक, एक टपल के अंदर जब दूसरी टपल होती है नेस्टेट टपल ठीक है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मिनिम एंड मैक्म मार्क्स अलोंग विद द टोटल मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट ओके तो क्या कह रहा है एक प्रोग्राम हमें करन, लिखना है जिसके अंदर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स राइट अलोंग विद द टोटल मार्क्स और उसके टोटल मार्क्स कितने फाइन ओके okay. तो देखो आपने यहाँ पे हमारी पास टपल अवेलेबल है स्टूडेंट टपल ओके ट्वेंटी वन इज द रोल नंबर रोहन इज द नेम एंड दिस इज द मार्क्स टपल फाइन तो सबसे पहले हमने क्या किया प्रिंट कमांड दी मिनिमम मार्क्स ऑफ मिनिमम मार्क्स में हमने मिन फंक्शन के अंदर पास किया इनर टपल को इनर टपल को आप कैसे पास करोगे इनर टपल में स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है टपल का नेम और इंडेक्स वैल्यू टू तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है इससे हमें इनर टपल मिल जाएगी ओके okay. तो मिन फंक्शन के अंदर आपने इनर टपल को पास कर दिया फाइन मिन फंक्शन के अंदर आपने इनर टपल को पास कर दिया तो मिन फंक्शन क्या करेगा इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मिनिमम जो सबसे छोटा एलिमेंट है मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो फाइंड आउट करके रिटर्न कर देगा तो यहाँ पेवन आ गया रिजल्ट ठीक है यहाँ पे देखो सिक्सटी सेवन इज द स्मॉलेस्ट यहाँ पे सिक्सटी सेवन स्मॉलेस्ट है देन आपने क्या किया प्रिंट कमांड के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैक्स फंक्शन के अंदर इनर टपल को पास कर दिया स्टूडेंट ओके स्क्वायर ब्रैकेट में टू स्क्वायर ब्रैकेट में टू देने से क्या हमारा इनर टपल पास कर दिया हमने ठीक है ठीक है स्टूडेंट क्या नेम ऑफ द टपल एंड जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू टू दे रहे हैं तो आपकी इनर टपल आप पास करे हो ठीक है मैक्स फंक्शन क्या करेगा इस इनर टपल के एलिमेंट्स में से जो सबसे बिग एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देगा तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए नाइन्टी ठीक है पहले हमारे पास मिनिमम मार्क्स आए थे सिक्सटी सेवन देन हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए नाइन्टी ओके देन टोटल मार्क्स ऑफ सम ठीक है सम फंक्शन के अंदर हमने स्टूडेंट ठीक है इनर टपल को पास किया अब यहाँ पे ध्यान रखना सम फंक्शन के अंदर हम इनर टपल को पास करें ठीक है इनर टपल को इतना इस पर्टिकुलर टपल को पास करें ये पूरा पास नहीं करें ये पूरी uh, के पूरे uh, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पास नहीं करें ठीक है यहाँ पे सिर्फ इनर टपल पास हो रही है इनर टपल पास हो, हो रही है तो उसके सारे एलिमेंट्स क्या है इंटीजर तो उनका सम हो जाएगा ठीक है अगर आप सम फंक्शन में ये पूरी टपल uh, यूज करते तो वो क्या होता है एरर आती फाइन तो हमने यहाँ पे क्या किया इनर टपल को पास कर दिया स्टूडेंट ओके स्क्वायर ब्रैकेट में हमने सम okay, तो तो आ गया फोर हंड्रेड फाइन तो दिस इज वेरी इजी इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स एंड द फाइन तो ये हमने क्या किया एक नेशनल टपल का प्रोग्राम यहाँ पे किया है राइट right? okay children now we will meet in next video with next topic of tu tuple till then keep studying and be safe bye bye